हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थी, आज हम न्यू कैलिडोनिया, ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आ रहा है, इवन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है, इतना इम्पोर्टेंट है, न्यू कैलिडोनिया पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, फ्रीक्वेंटली पूरे साल आएगा, क्योंकि इसमें जो है न्यू कैलिडोनिया के जो इंडिजिनस लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं फ्रांस से, ये सबसे बड़ा इशू है। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया था, फ्रेंच टेरिटरी ऑफ न्यू कैलिडोनिया। अब ये कितना आसान लग रहा है, ये 2 नंबर का आएगा, अब देखना। अब मेन समस्या ये है कि वहाँ कनक जो है, कनक इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनकी तादाद कम होती जा रही है, फ्रांस के लोग वहाँ बसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से 3 बार वहाँ रेफरेंडम हुआ, वो फेल हो गया। अब आप इसकी लोकेशन देखो, सबसे पहले उसकी कैपिटल न्यू कैलिडोनिया फ्रांस, नोमिया इसकी कैपिटल है, फ्रांस की टेरिटरी है, और ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, ये हमेशा देखना आपने। आर्किप्लेगो इन द मिलानसेनियन पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलिडोनिया मेन आइलैंड है उनका, ग्रैंड टेरे, ग्रैंड टेरे। अब ये समझिए, एक तो ये फ्रांस के अंडर है, ये याद रखना आपने, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है जिस तरह दूसरे हैं वहाँ पे पैसिफिक ओशन में। कनक्स इज द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ न्यू कैलिडोनिया, फ्रांस गेन कंट्रोल ऑफ न्यू कैलिडोनिया 1853 एंड गवर्न कनक्स विद रिजर्वेशन, क्योंकि कनक्स वहाँ पे ओरिजिनल हैं, वहाँ के रहने वाले। कनक्स मेक अप 43% ऑफ पॉपुलेशन विद वाइल यूरोपियन फ्रेंच लॉयलिस्ट वो 37% है, वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो कम होते जा रहे हैं। कनक न्यू कैलिडोनिया ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर कनक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रिजर्वेशंस वर अबोलिश्ड एंड कनक्स वर ग्रांटेड फ्रेंच सिटीजनशिप इन 1960s। इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम फ्रांस टर्न्ड कनक्स इनटू माइनॉरिटी। अब वहाँ कोई भी रेफरेंडम होता है फेल किस लिए होता है, कनक कम हो गई, इंडिजिनस कम्युनिटी कम होगी वहाँ पे। अब ये वहाँ की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, सोशलिस्ट कनक नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट हो, और ये फ्रांस प्रेसिडेंट जो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है से मॉडिफाई करना चाह रहा है, वो भी नहीं चाहती है कि हमारे कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए। न्यू अमेंडमेंट बिल एम्स टू इनकॉर्पोरेट सिटीजन्स हु आर आइदर बोर्न और लिव्ड इन द टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अब नया अमेंडमेंट जो फ्रांस का प्रेजिडेंट करना चाह रहे हैं मैक्रोन, वो ये है कि भाई जो वहाँ बोर्न हुआ हो या 10 साल से रह रहे हो, वो उसका वहीं का जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा न्यू कैलिडोनिया में, लेकिन इनको मंजूर नहीं है लोकल कम्युनिटी, क्योंकि ये जो है मार्जिनलाइज हो जाएंगे, दैट इज वाई दे आर अपोजिंग दिस बिल। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो है रोजाना कोई भी लोकेशन आएगी वो मैप के थ्रू दिखाऊंगा, ताकि आप जब पेपर देने जाओ उससे 1 दिन पहले आपके 100% लोकेशन तैयार हो जाए, कम से कम 10 नंबर आपके 10 में से 10 पक्के हो जाए, ये मेरे डिटर्मिनेशन, और मैंने ये 23-24 में भी किया है। कल भी मेरी जो 100% लोकेशन आपको मिलेगी पेपर में, 100% 10 में से 10 आ गया आपके इंटरनेशनल में, और क्या चाहिए, क्वालिफाई तो वहीं कर जाओगे, आप क्वालिफाई की तरफ तो जा ही रहे हो, इसलिए आप इमिजिएटली इस कोर्स में रजिस्टर करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।